नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां सरायरंजन प्रखंड अंतर्गत लाडबसेपुरा पंचायत के टोला ब्रह्मबाना गांव स्थित बाबा ब्रजेश्वर धाम परिसर में आयोजित 9 दिवसीय सतचंडी महायज्ञ में शिरकत करने सरायरंजन विधायक सह बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी पहुँचे, जहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पूजा समिति के लोगों ने बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी का स्वागत मिथिला परंपरा अनुसार अंगवस्त्र चादर व पाग देकर किया गया। तत्पश्चात स्थानीय विधायक ने पूरे मंदिर परिसर का भ्रमण कर परिसर स्थित सभी देवी देवताओं की प्रतिमा के आगे अपना सिर नवाया व उनसे लोक कल्याण हेतु आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों व श्रद्धालु भक्तों को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि ज्ञान की बातें आज भी हर शख्स के लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले के समय में था। आज के युग में हम यह जान ही नहीं पाते हैं कि हम क्या करें जिससे ज्ञान की प्राप्ति हो और पुण्य को प्राप्त किया जा सके, और क्या ऐसा न करें जो सबसे बड़े पाप का भागीदार बनाता हो। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह भी कहा कि सत्य बोलने वाले कुछ समय के लिए परेशान जरूर होते हैं, लेकिन अंत में जीत उन्हीं की होती है, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि सत्य कभी पराजित नहीं होता है, सत्य की हमेशा की जीत होती है। इस दौरान मंत्री जी ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में अपने कार्यस्थल सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के लोगों को थोड़ी बहुत सुविधा देने की कोशिश किए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में सरायरंजन विधानसभा को अभी बहुत कुछ देना बाकी है। इस दौरान मौके पर युवा जिला जदयू के जिला महासचिव कन्हैया कुमार, गौतम गोस्वामी, विद्याकर झा, युवा जिलाध्यक्ष विशाल कुमार, नीरज कुमार झा, ऋषभ कुमार, सत्यनारायण मिश्र, जगदीश झा, रतन झा, विमल कुमार झा, कौशल कुमार झा, जितेंद्र कुमार झा, युवा समाज सेवी सुमित झा, नसीबलाल झा, राम सागर झा सहित सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। काम धंधा तो सब गोटे के अपन अपन सब लोग अपन अपन करे, लेकिन भगवान के कृपा जो हो, ईश्वर कृपा, प्रभु कृपा, एहन चीज हो कि कोई गोटे समाज या दुनिया में एहन नहीं छे जिनका भगवान के कृपा के जरूरत नहीं। और हम सब तो भगवान के हिसाब से, भगवान का आदेश के हिसाब से काज करे, मुखिया जी के निर्देशन, सब गोटे के निर्देशन में ऐठा ब्रह्माना से देख के उदा बतुआ सब ये लाट बसे पूरा अगर मगर सब लोग के साथ मिलकर आखिर हम सब तो धार्मिक कार्य में लागल काहे की गुरु मदद कैला है जरा कोई तकलीफ में है जरा कोई कष्ट में तो मदद कैला है तो सबसे बड़ा धार्मिक कार्य भगवान यह अरा तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में की कल कि पढ़हित सदित धर्म नहीं था तो धर्म के व्याख्या इसी लाइन में कही पर पीड़ा सब नहीं अलग मैंने अहां एहन आचरण करू एहन कार्य करू समाज में जे केकरो समाज में जे जरूरतमंद लोग है जिनका कोई चिंता आवश्यकता है उनका मदद करू और अगर केकरो कष्ट दे दिलिए केकरो अहां के व्यवहार एहन भ गेल जरा से केकरो तकलीफ हो गए तो मुझे वही से बढ़कर पाप कर्म कुछ नहीं अ दुआरे और तखत है अ तरह के आयोजन के की महत्व हो तरह के आयोजन के यह महत्व हो कि ऐसे मन में धार्मिक भावना उत्पन्न हो माहौल धार्मिक बने
मानसिकता धार्मिक बने दिमाग में धार्मिक बात आबै छै आ लोग ओकरा पर चलै के कम से कम अइ परिसर में जितना दिन जग चलते जितना लोग अते तो सोचते ना भाई कि भगवान की सब काल की नाल या राम लला मान लियो आब गेल छिन तो हुनकर की सब काम छै अइ दुआरे सब गोटे मिलके जग के सफल हो आ जेना मुखिया जी कहला कि हम सब लगातार जब भी ब्रजेश्वर बाबा मुखिया जी के माध्यम से हमारा आवाज दै छथिन हम दौड़ो और जे ई तो बुझबे करै छी हमे आर तो समाज आदमी के सेवा ले या हुनका मदद ले जब काज करैत रहै छी तो भगवान आ भोला बाबा के सेवा में जे बन पड़ते हम छोड़े वाला अ दुआरे हर हाल में जे ऐसा उपाय होते मुखिया जी से बात होते रहे हम सब ओ काज में लागल दुआरे उपाय होते आज तो बस यज्ञ सफल हो इलाका में लोग के मन में भोला बाबा के प्रति श्रद्धा जग के मन में धार्मिकता के भावना उत्पन्न हो जैसे लोग आपस में प्रेम करें जे हम कहली तुलसीदास जी जे कहलखिन में रामचरित मानस आपस में प्रेम नहीं जागल तो बुझियो कि धर्म कहाँ तोहीन कर रही है धर्म कहाँ अपमान कर रही है अगर एक दूसरा से प्रेम नहीं करे तो एक दूसरा से प्यार करे तभी सारा समाज आगू बढ़ते ब्रह्माना आगू बढ़ते लटपसेपुरा आगू बढ़ते बथुआ खुदा सब आगू सराय रंजन सब बढ़ते अहार आशीर्वाद दिलिये तो सराय रंजन के तो आगू बढ़वे जे चीज हो सके छे ओय में कोई कोर कसर छे अइ दुआरे अहा के सेवा जारी रहते ब्रजेश्वर बाबा के आशीर्वाद बनल रहे हमको प्रांगण में कहे कि जे ढंग से सेवा करी आवे वाला दिन में ओहो से जोर से सेवा